आज की जो हमारी क्लास है VC++ में यूनिट 4 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस डिज़ाइन या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन एंड डेटाबेस में को हम देखेंगे आगे। आज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ सिलेबस में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट टाइप, एट्रीब्यूट टाइप, रिलेशनशिप टाइप आदि, इनको हमको देखना है। तो आइए, इनको थ्योरी पार्ट है तो इनको थोड़ा सा थ्योरी के साथ हम वर्क कर लेते हैं। क्लियर? तो इसको वर्क करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट टाइप क्या होता है। ऑब्जेक्ट टाइप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट टाइप का एक क्वेश्चन है और ये हमेशा आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्ट टाइप। तो ऑब्जेक्ट टाइप क्या क्या होते हैं देखते हैं यहाँ पर। एक ऑब्जेक्ट ऐसा डेटा टाइप होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रन टाइम एंटिटी होती है, या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं। तो इसको ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको कई टाइप में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में उनके टाइप्स को हमको देखना है और इन टाइप्स को पॉइंट वाइज आपको लिखना होगा। हम यहाँ पर देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप यहाँ पर दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट टाइप क्या होते हैं? जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो कई सारी चीज़ों से मिल के बना होता है। तो उसमें जो सबसे पहला टाइप, पहला जो पॉइंट होता है वो है एट्रीब्यूट। तो हम एट्रीब्यूट टाइप को देख लेते हैं। एट्रीब्यूट और उनके बीच में रिलेशनशिप और उनके बिहेवियर्स आदि सबसे मिल के ऑब्जेक्ट बनता है। यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर कई एट्रीब्यूट होते हैं, कई रिलेशनशिप होते हैं, उनके बिहेवियर्स होते हैं और वो अलग अलग टाइप के होते हैं और उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले एट्रीब्यूट टाइप देखते हैं। एट्रीब्यूट को मैंने पहले भी बताया कि जो डेटा मेम्बर्स होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट की तरह से देख सकते हैं। पर एक्चुअली हम जब कोई क्लास बनाते हैं तो उसका जो डेटा मेंबर है, डेटा मेंबर आपको पता है कि जब मैं क्लास बना रहा हूँ, कोई क्लास का कोड हम लिखते हैं तो उसके अंदर हम लिखते हैं इंट इंट ए। तो जो ए है ये आपका डेटा मेंबर होता है और ये डेटा मेंबर ही उसके एट्रीब्यूट कहलाते हैं। क्लियर है? तो जिसको हम अभी तक डेटा मेंबर करते थे, बोलते थे, अब उनको एट्रीब्यूट बोलेंगे। क्लियर है? तो एट्रीब्यूट जो होते हैं वो डेटा मेंबर्स ही हैं और डेटा मेंबर को ही हम एक्सेस स्पेसिफायर के द्वारा अलग अलग प्रकार से वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लास में। क्लियर है? क्लास के अंदर अगली चीज़ जो होती है वो है रिलेशनशिप और रिलेशनशिप के टाइप्स। मतलब कई टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, टाइप्स देख लेंगे। पहले देखते हैं रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप जो है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बनता है और ये रिलेशनशिप आप कैसे बना सकते हैं? आप या तो इनहेरिटेंस करके बना सकते हैं, या उनके बीच में मैसेज पासिंग करके बना सकते हैं, या फिर स्टैटिक वेरिएबल के द्वारा बना सकते हैं, या फिर चाइल्ड या पेरेंट के द्वारा बना सकते हैं। तो इस टाइप का आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। रिलेशनशिप जो है वो एक्चुअली आपका इनहेरिटेंस आदि को ही, या दो ऑब्जेक्ट के बीच में स्टैटिक वेरिएबल या मैसेज पासिंग या डेटा शेयरिंग के द्वारा, जो हम जो भी काम करते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट करते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो इनहेरिटेंस के द्वारा कर रहे हैं, चाहे वो मैसेज पासिंग के द्वारा कर रहे हैं, या फिर किसी अन्य तरीके से अगर वो अपना डेटा एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो इसको हम जो शेयर करने का जो मेथड होता है वो होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के भी कई टाइप्स होते हैं, दो तीन टाइप होते हैं, उसको हम देखेंगे। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट में और क्या क्या चीज़ें होंगी आपकी। रिलेशनशिप टाइप को आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो पिक्चर यहाँ पर थोड़ी क्लियर नहीं थी, आप देख सकते हैं कि रिलेशनशिप जो है एट्रीब्यूट्स के बीच में, उनके जो ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कितने टाइप की होती है। ये हमने देखा था कल भी कि हायरार्किकल रिलेशनशिप जो है, यहाँ पे कल थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था। हायरार्किकल रिलेशनशिप में इस टाइप का डायग्राम बनता है और हायरार्की क्रिएट होती है। यानी कि एक पेरेंट होता है और कई चाइल्ड्स होते हैं इसमें। क्लियर है? पेरेंट चाइल्ड जैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है। ये ऐसे टाइप का अगर रिलेशनशिप है तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ये हायरार्किकल रिलेशनशिप है। जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, पर्सन पर्सन में तीन टाइप के पर्सन हैं, मतलब तीन पर्सन हैं या तीन एम्प्लॉय हैं, तीनों ही पर्सन कहलाएंगे। और एक एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या आईडी हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, उसके सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी और अदर डिटेल, बहुत सारी डिटेल हो सकते हैं, ये एट्रीब्यूट कहलाते हैं।
तो एक क्लास जो है या एक ऑब्जेक्ट है उसके कई एट्रीब्यूट हो सकते हैं और ऐसे ही कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और उनकी हायरार्की क्रिएट हो सकती है। तो ऐसा जो रिलेशनशिप बनता है इसको हम हायरार्किकल रिलेशनशिप बोलते हैं। अगला है पीयर टू पीयर रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि वन टू वन कनेक्टिविटी होती है, जैसे इसके और इसके बीच में वन टू वन कनेक्टिविटी होगी, ये ऐसा ऐसा मल्टीपल कनेक्टिविटी जो है वो नहीं होती, इसको पीयर टू पीयर रिलेशनशिप बोलते हैं या वन टू वन रिलेशनशिप भी बोला जाता है। ठीक है, अगला जो आपका रिलेशनशिप टाइप है वो है सपोर्टिव रिलेशनशिप टाइप। ये पूरा थ्योरी चीज है, इसको बस आपको पॉइंट वाइज याद रखना है और एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे रिलेशनशिप और एक्सप्लेन रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप टाइप्स, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और उसमें आपका वो रहेगा, शॉर्ट नोट्स में आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। सपोर्टिव रिलेशनशिप टाइप आप देख सकते हो कि सपोर्ट रिलेशनशिप टाइप जो है ऐसा सर्कल जैसा रहता है और ये आपको दिख रहा होगा ये कि एक मेंबर जो है, एक मेंबर या एक ऑब्जेक्ट दूसरे को सपोर्ट करता है, दूसरा तीसरे को सपोर्ट करता है, तीसरा इसको सपोर्ट करता है, इस तरीके से प्रोसेस जो है आगे बढ़ते जाता है सपोर्टिव रिलेशनशिप टाइप में, और कभी कभी ये साइक्लिक भी हो जाता है। क्लियर है, यहाँ पे साइक्लिक बना करके दिखाया गया है, सपोर्टिव रिलेशनशिप टाइप जो है इस तरीके से होता है, सारे की सारी फाइल्स या सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलते हैं। तो देख पा रहे हो कि ऐसे सपोर्टिव रिलेशनशिप जो है कई सारे जैसे क्लासेस हैं, जैसे हम एक बाइक का एग्जांपल लेते हैं तो बाइक में क्या होता है कि इंजन जो है आपको व्हील्स को सपोर्ट करता है, व्हील्स को सपोर्ट करता है ब्रेक, और व्हील्स को सपोर्ट करता है हैंडल, हैंडल जो सपोर्ट करता है बाइक को करता है, पर्सन को करता है, पर्सन इंजन को सपोर्ट करता है, इस तरीके से ऐसा साइक्लिक सपोर्टिव रिलेशनशिप बना रहता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए बड़े प्रोग्राम को हैंडल करते हैं। क्लियर है, तो ये सपोर्टिव रिलेशनशिप टाइप है, तो ऐसा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा जब एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, ये डायग्राम बना करके आपको बताना होगा, तो डायग्राम ही इसमें इंपॉर्टेंट है और पॉइंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी बहुत आसानी से आप एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं। प्रेसिडेंस रिलेशनशिप टाइप, चौथा रिलेशनशिप टाइप आप देख पा रहे हैं कि प्रेसिडेंस रिलेशनशिप टाइप जो है उसमें इस टाइप पर आपको प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रोसेस ए है वो प्रोसेस बी और सी को आगे बढ़ाएगा, यानी कि प्रोसेस बी और प्रोसेस सी जो है वो तभी कंप्लीट हो पाएंगे जब प्रोसेस ए आपने कंप्लीट कर दिया है। ये प्रेसिडेंस रिलेशनशिप टाइप कहलाता है। इसमें जो ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा या ये वाला जो प्रोसेस होगा या ये वाला जो भी एंटिटी होगी वो इम्पोर्टेंट होगी, उसके फिनिश होने पर ही बी और सी जो है वो स्टार्ट होंगे। क्लियर है, ऐसा चीज़ हम देख सकते हैं, जैसे आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है उसके बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आपने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा तो आपका ये वाला दोनों काम स्टार्ट ही नहीं होगा, ना आप एग्ज़ाम दे पाएंगे ना रिजल्ट बनना स्टार्ट होगा आपका। तो इस टाइप के जो भी प्रोसेस होते हैं ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जैसे इस टाइप की प्रोग्रामिंग बनाई जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के द्वारा, तो उसमें ऐसे रिलेशनशिप टाइप जो है वो बनाए जाते हैं कि नए या नेक्स्ट लेवल के जो रिलेशनशिप होते हैं वो प्रीवियस लेवल के रिलेशनशिप के कंप्लीट होने पर के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। क्लियर है, ऐसे रिलेशनशिप जो है वो प्रिसिडेंस रिलेशनशिप कहलाती है। क्लियर है, इसका एग्जांपल मैंने काफ़ी सिंपल दिया, जैसे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम फॉर्म ए जो है ए का हम मानते हैं फिल एग्ज़ाम फॉर्म, जब तक आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना कंप्लीट नहीं करोगे आप एग्जाम में अटेंड नहीं हो पाओगे, आप रिजल्ट यहाँ पर देख नहीं पाओगे। इसके भी कई सारे स्ट्रक्चर हैं, जैसे ये पहले एक प्रोसेस है उस पर दो प्रोसेस डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पर दो प्रोसेस कंप्लीट होते हैं देन तीसरा प्रोसेस चालू होता है, तो यहाँ पर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है,
कि आपने एग्जाम फॉर्म भरा और फीस भी पे की, दोनों काम कर दिया, तब जाके आप एग्जाम का एडमिट कार्ड बनेगा आपका। ध्यान दीजिए, मैं एग्जाम एग्जाम्पल जो बोल रहा हूँ, बिल्कुल ही एग्जाम्पल को एग्जाम में लिख सकते हैं। इस डायग्राम को बनाना है आपको, यहाँ पर जो रिलेशनशिप दिख रही है ए बी और सी के बीच में, ए बी सी ऑब्जेक्ट है या कोई एंटिटी है या कोई भी प्रोसेस बोल सकते हैं। तो जब ए और बी कंप्लीट होगा देन सी चालू होगा, यहाँ पर आपको देखने के लिए भी मिलेगा लिखा हुआ है। तो ये जो प्रोसेस, ऐसा कुछ प्रोसेस का एग्जाम्पल आप हर साल अपने एग्जाम फॉर्म भरते समय देखते हैं कि जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं और फीस पे कर देते हैं देन आपका एडमिट कार्ड जनरेट होता है। अगर आपने केवल एग्जाम फॉर्म भरा, फीस पे नहीं किया, एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा। आपने केवल फीस पे किया, एग्जाम फॉर्म नहीं भरा, एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा। दोनों प्रोसेस कंप्लीट होने पर, यानी मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो कंप्लीट होने पर आगे का जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होता है। वैसे ही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो ये इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, वन टू मैनी डिपेंडेंसी है, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी और वन टू वन डिपेंडेंसी। ठीक है, डायग्राम काफ़ी सिंपल है, वो चार स्टेप्स हैं, चार को आप आसानी से याद कर सकते हैं और इसको काफ़ी आसानी से लिख भी सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा रिलेशनशिप का जो टाइप है, रीडिफाइंड रिलेशनशिप टाइप्स के बारे में भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रिलेशनशिप को कुछ प्रीडिफाइंड रिलेशनशिप टाइप्स में भी हम अलग से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रीडिफाइंड रिलेशनशिप टाइप के नाम दिए हुए हैं वो है अटैचमेंट, कैस्केड, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट। तो ये कुछ प्रीडिफाइंड रिलेशनशिप टाइप के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। इतना ज़्यादा आपको इसमें से तीन चार आपको जो सिंपल लगे वो आप याद कर सकते हो, जैसे इनपुट, लिंक, आउटपुट, ये सारी चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। चार पांच ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, तीन चार याद कर देना आपको। आगे हम देखते हैं नया जो पॉइंट था हमारा, ऑब्जेक्ट बिहेवियर। फिर से मैं आपको बता दूं, बिहेवियर जो होता है वो फंक्शन को कहते हैं हम लोग, या मेंबर फंक्शन जो होते हैं ना उनको बिहेवियर्स के रूप में जाना जाता है। यानी कि जैसे सम फंक्शन है, शो फंक्शन है, वो क्या काम करते हैं, वो हम उसके बिहेवियर से, ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर होता है उनके फंक्शंस की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, सम करेगा, फैक्टोरियल करेगा, कलर चेंज करेगा, प्रिंट करेगा, क्या काम क्या करेगा ये डिफाइन, और कोई भी काम जो है वो फंक्शन में हम डिफाइन करते हैं। क्लियर है? तो वो किस टाइप का काम करेगा वो उसको बिहेवियर को बताता है। जैसे मैं आपको बिहेवियर का बहुत अच्छा एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपका ऐसा एक कॉलिंग के लिए एक आइकन बना रहता है, तो इसका बिहेवियर क्या है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको कॉल लगा देगा, तो ये इसका बिहेवियर हो गया। ऐसे ही चैट के लिए ऐसा डब्बा जैसा बना रहता है, उस पर जब क्लिक करोगे तो आपको मैसेज ओपन हो जाएगी या चैट ओपन हो जाएगा। क्लियर? तो ये इसका बिहेवियर है, और पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या है, फ्री SMS और कॉलिंग। पूरे ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या हो गया, फ्री SMS एंड कॉलिंग। ठीक है, ये पूरे ऑब्जेक्ट का बिहेवियर हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को ही हमको समझना है। ठीक है, ये कितने टाइप के बिहेवियर्स होते हैं देखते हैं आगे। पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, सिंपल बिहेवियर। सिंपल बिहेवियर में साधारण अरिथमेटिक फंक्शंस होते हैं, जैसे और सिंपल फॉर्मूला लगा होता है, कोई फार्मूला है πr² या सिंपल फार्मूला है p×r×t/100, जिसमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल होता है, फार्मूला लगाओ, इनपुट दो और आउटपुट प्राप्त कर लो। ऐसे बिहेवियर को का फंक्शन अगर हमारे पास बना हुआ है तो हम ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को
सिंपल बोलेंगे, क्लियर है। सिंपल बिहेवियर में स्टैटिक डेटा पर काम होता है और सिंपल फॉर्मूला लगे होते हैं और नॉर्मल प्रोसेसिंग होती है, स्टेट बिहेवियर होता है यहाँ पर। सिंपल बिहेवियर का एग्जांपल आप देख पा रहे हैं कि अगर ऐसा फॉर्मूला लगा है कि पाई बाई टू कॉस निकालना है और इक्वल टू जीरो जो भी आउटपुट आ रहा है, तो इस टाइप के सिंपल सिंपल जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं उनका फॉर्मूला लगा करके अगर आउटपुट दे रहा है कोई फंक्शन, ऐसे फंक्शन को कलेक्ट करके रखने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका बिहेवियर जो होगा वो सिंपल बिहेवियर या स्टेटिक बिहेवियर या स्टेट बिहेवियर कहलाएगा। क्लियर है। अगला हम देख पा रहे हैं कि स्टेट बिहेवियर जो दिया हुआ है वो डेटा टाइप, सिस्टम में जो मॉडल होता है उसकी संख्या पर जो स्टेट बिहेवियर जो होता है वो बेसिकली स्टेटिक बिहेवियर से लिया गया है ये वर्ड, जिसमें हमको जो इसका बिहेवियर होता है ना उसकी फंक्शनैलिटी लगभग चेंज नहीं होती है, यानी उसका जो एक्शन है वो लगभग फिक्स होता है। ऐसे बिहेवियर को हम स्टेट बिहेवियर की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। फाइनाइट स्टेट मशीन, इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है फाइनाइट स्टेट मशीन। अब स्टेट बिहेवियर को हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि कैसा, मतलब एक सिंपल एग्जांपल है कि जिसकी फंक्शनैलिटी हमेशा चेंज ना हो, ऐसा कुछ एग्जांपल अगर आप देखें कि जैसे मैं आपको चलो मोबाइल के एग्जांपल से ही बताता हूँ कि अगर मोबाइल पर कॉलिंग के लिए ऑप्शन दिया हुआ है और ये किसी का नाम लिखा हुआ है, तो आज अगर मैं इस पर टैप करूँ तो सिम वन से कॉल होगा, लेकिन कल जब इस पर टैप करूँगा तो सिम टू से भी हो सकता है क्योंकि मैंने ऑफ सेटिंग चेंज कर दी है। सेटिंग चेंज करने के बाद इसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, पहले सिम वन से होता था अब क्या होता है सिम टू से कॉल होता है, तो ऐसे बिहेवियर जो है वो स्टेट बिहेवियर नहीं कहलाएंगे। क्लियर। अगला है कंटिन्यूअस बिहेवियर। कंटिन्यूअस बिहेवियर को भी आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि कंटिन्यूअस बिहेवियर जो है वो आगे बढ़ता जाता है, ये फजी लॉजिक वगैरह पे काम करता है। और कंटिन्यूअस बिहेवियर कुछ इस टाइप से होता है, जैसे मान लेते हैं हम 100 पेज की प्रिंटिंग किए, प्रिंटिंग का कमांड दिए, तो फर्स्ट पेज जब आएगा तो उसमें पेज वन प्रिंट होगा, पेज वन। सेकेंड जब आउटपुट आएगा तो उसमें पेज टू प्रिंट होगा, पेज थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा। तो ये स्टेट बिहेवियर नहीं है, अगर स्टेट बिहेवियर होता तो पेज वन के ही 100 कॉपी दे देता, वो पेज वन की 100 कॉपी देता, तो वो ऐसे टाइप के एग्जांपल को हम बोलेंगे कि ये स्टेट बिहेवियर है क्योंकि एक ही काम कर रहा है वो 100 बार। लेकिन कंटिन्यूस बिहेवियर क्या है, एक ही टाइप का काम कर रहा है लेकिन कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये कंटिन्यूस बिहेवियर है। तो इस टाइप से वो जो भी हम काम करते हैं वो कंटिन्यूस बिहेवियर में आता है। तो ऑब्जेक्ट अगर इस टाइप से काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की जो बिहेवियर है वो कंटिन्यूस बिहेवियर कही जाएगी। तो ये अब यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, और ये हर एग्ज़ाम में आता है। फिलहाल अभी हम यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो है टाइम लिमिट ख़त्म हो रहा है। अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने देखा रिलेशनशिप कितने टाइप की होती है और बिहेवियर कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रिलेशनशिप टाइप और बिहेवियर का जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट बिहेवियर का, ये दोनों आपका हो गया। एट्रीब्यूट के टाइप्स भी आपके हो गए, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप्स भी हमने देखा। तो शॉर्ट में इन सभी को देखा है। अब ये मेथोडोलॉजी वाला हिस्सा जो है हमको चालू करना है, पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट है ये, तो इसको हम कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।